गुड मॉर्निंग। कल के आगे का टॉपिक देखेंगे। जल्दी जल्दी जुड़िए। आप जितना टाइम जुड़ने में लगाओगे उतना ही टाइम कम मिलेगा आपको। जुड़िए। और इंटर वाले बच्चे थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग जो है ध्यान में नहीं रहा। टेक्निकल गुरु जी को थोड़ा समस्या में आ गए। तो मंडे से जो है आपका टाइम टेबल जो है बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना? आप उसकी टेंशन मत लेना। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा टाइम टेबल में समस्या है, ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोगों ने झिल्लियां देखी थी, मेम्ब्रेन, ठीक है ना? झिल्ली क्या होती है? ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना? ये तीन थी आपकी, पारगम, अपारगम और अर्ध पारगम। पारगम में क्या था? विलेय तथा विलायक दोनों के कण पार निकल जाते थे। अपारगम में विलेय तथा विलायक के कणों को पार नहीं निकलने देते थे। सेमी अर्ध परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम झिल्ली में क्या था? विलायक के कण पार निकल जाते थे, लेकिन लेकिन विलेय के कण नहीं निकल पाते थे। कई बताई थी मैंने, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ठीक है ना? तो ये जो थी वो मानव निर्मित झिल्ली थी, जैसे कि अंडे की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, ये सब प्राकृतिक झिल्लियां हमारी थी। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है परासरण। डालिए आप लोग, परासरण, ओस्मोसिस, परासरण, ओस्मोसिस, परासरण, हेडिंग डालिए ओस्मोसिस, परासरण, परासरण, ओस्मोसिस। परासरण, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, परासरण। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, अच्छे दिखाई दे रहा है? देखिए, ओस्मोसिस, परासरण क्या होता है? एक पात्र लिया हमने और उस पात्र के बीचों बीच हमने एक SPM लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया हमने, ठीक है ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया मैंने हमने। ओके, क्लियर? इतना समझ में आया? एक पात्र लिया हमने और उस पात्र में हमने क्या किया है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, अर्ध पारगम झिल्ली लगा ली, और ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। मानव निर्मित है ना, हमें उपयोग करना है तो कॉपर फेरोसाइनाइड की उपयोग करते बनी हुई। तो मैंने बताया था अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग, उपयोग किया। अब मैं अगर डायरेक्ट पढ़ा आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने झिल्लियां पढ़ाने के बाद में ये पढ़ाया। अब आगे की बात करें, देखिए हमने इसके अंदर विलयन भर दिया, सॉरी विलायक भर दिया, इसके अंदर विलायक भर दिया और इसके अंदर जो है विलयन भर दिया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, विलायक को ए, विलयन को ए बी, याद है ना? भर दिया। अब क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो क्या करती थी? वो विलायक के कण को जाने देती है, जाने देती है, अपने में से पार जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को नहीं। तो यहां पे तो विलायक ही है, लेकिन यहां पर विलयन है, तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे। तो होता क्या है कि यहां पे एक घटना होती है, घटना यह है कि यहां पे जो विलायक के कण है वो इस तरफ जाने लगते हैं,
इस तरफ जाने लगते हैं, विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं और स्वतः गति करते हैं, अपने आप गति करते हैं, हमें कुछ नहीं करना उसमें। हमने क्या बोला है, हमें एक पात्र लेना है, उस पात्र के बीचों बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम झिल्ली को लगा देना है, जिसमें एक तरफ विलायक और एक तरफ विलयन भर देना है और उसको छोड़ देना, रख देना है। आप देखना कुछ समय के बाद उसमें जो विलायक के कण होंगे, जो विलायक भरा होगा, उस विलायक के कण विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे, स्वतः चलने लगेंगे, जाने लगेंगे अपने आप। इस घटना को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बात ये निकल के आती है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है इसके अंदर, पंडित है। तो अब आप देखिए, यहां पर विलयन है और यहां पर विलायक है। विलायक है मतलब इसमें कुछ भी विलय नहीं मिलाया है, विलय नहीं मिलाया मतलब सांद्रता कम है। यहां पर विलय मिलाया रखा या मिलाया है हमने, तो यहां पर सांद्रता जो हुई अधिक है। सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, भैया पानी पियो कोई स्वाद नहीं आएगा, पानी में चीनी घोल के पियो स्वाद आएगा मीठा। तो जिसमें मैंने चीनी घोल रखी है उसकी सांद्रता ज्यादा, जिसमें चीनी है उसमें मीठा होगा, और जिसमें मैंने चीनी नहीं मिलाई है वो मीठा कहां से होगा। तो यहां पर विलय की जो सांद्रता है वो अधिक, सांद्रता अधिक है, जबकि यहां पर सांद्रता कम है विलय की। बात क्लियर। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो विलायक के जो कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित करते हैं। क्या मैंने बोला, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। बोर्ड पे एक बार अच्छे से देख लो, देख लिया, देख लिया। हो गया करेक्ट डिफिनेशन। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए और बनाइए परिभाषा। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण, वह क्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। याद हुआ नहीं याद हुआ, फिर से देखिए। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होते हैं, या स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। याद हुआ या नहीं हुआ, याद हुआ या नहीं हुआ, याद हो गया, एक बार अच्छे से बोलिए, याद हो गया, याद हो गया। चलिए देखिए करते हैं, लिखिए यानी कि आप लोग, वह क्रिया, चलिए हट जाता हूं मैं, वह क्रिया जिसमें, वह क्रिया जिसमें विलायक के कण, वह क्रिया जिसमें विलायक के कण
वह क्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। स्वतः प्रवाह को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। हो गया। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण तन विलयन से या कम सांद्रता वाले विलयन से, तन विलयन भी तो बोल सकते हैं, तन होगा यानी कि सांद्रता कम है, अधिक सांद्रता होगी यानी कि सांद्र विलयन है, चाहे ऐसे बोलो तन विलयन चाहे कम सांद्रता बोलो, ये आप पे डिपेंडेंट डिफिनेशन। तो मैं दूसरी डिफिनेशन आपको बता देता हूं और आप चाहे तो अथवा में लिख सकते हैं उसको, ये आप पे डिपेंड है। क्या सुनना, वह क्रिया जिसमें विलायक के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह या स्वतः प्रवाहित होते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। हो गया, हो गया ना। तो आप चाहे कम सांद्रता लिखिए और चाहे आप तन विलयन लिखिए, बात वही है, अधिक सांद्रता लिखिए या सांद्र विलयन लिखिए, वही चीज है। तन मतलब आपने विलेय पदार्थ की मात्रा कम डाल रखी है, सांद्र का मतलब होता है आपने विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक डाल रखी है, बस यही है आपका। ओके ना, डिफरेंशन हो गए, याद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम में पूछी जाने वाली हेडिंग है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से याद कर लीजिए। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण, या क्रिया परासरण कहलाती है, बिठा दे, चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं डबल स्टार दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस प्रेशर परासरण दाब। क्या आपको परासरण समझ में आया? यदि हां तो परासरण दाब कुछ ही सेकेंड लगेंगे आपको समझने में और आपके दिमाग में सेट फीड हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर विलायक भरा था, इसकी सांद्रता कम थी,
कम सांद्रता है इसलिए इसको तन विलयन बोलते हैं। अभी तो बगल में विलयन मिलाया नहीं है, इसमें सांद्रता अधिक है। इसलिए इसको सांद्र विलयन कहते हैं। परासरण की क्रिया में मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ओके, विलायक के कण तन विलयन से या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे थे परासरण में। अब आगे समझिए हमारी बात को। ये एक बेटा पिस्टन है हमारा, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन की सहायता से हम लोग दाब डालते हैं। आपने देखा होगा सुई लगाने वाले स्टैंड होना चल रहा है, उसमें जो इंजेक्शन लगाते हैं आपने देखा भी होगा, सिलेंज में एक हम खींचते हैं तो वो एक पिस्टन है हमारा, जिसके द्वारा हम दाब डालते हैं, जिसके द्वारा इस इंजेक्शन में भरा हुआ जो केमिकल है या जो भी लिक्विड है वो हमारे नसों में प्रवेश करता है। तो जो वो आप खींचते, जैसे कि आपने पंप हवा भरा होगा तो उस पंप को जब आप ऊपर खींचते हो नीचे करते हो तो उसमें जो है वो जो आप ऊपर खींचते वाला जो प्रोसेस है वो आपका पिस्टन है। तो ऐसे ही इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं, और किस पे लगाते हैं, विलयन पे। अब आप ध्यान सुनना, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ रहा हूं तो वो उधर से दाब डाल रहा है, कुश्ती देखी ना आप लोगों ने, वो उधर से दाब डाल रहा है, मैं इधर से दाब डाल रहा हूं, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि वो जो मेरा सामने वाला जो मेरा दुश्मन जो मुझसे लड़ रहा है वो मेरे ऊपर कितना दाब डाल रहा है, ठीक है ना, वो मेरे ऊपर कितना दाब डाल रहा है, तो वो कितना दाब डाल रहा है उसके लिए मैं कितना दाब लगा रहा हूं। अगर मैं कितना दाब लगाऊं कि वो मुझे जो है पीछे धकेल ना पाए तो मैं पता कर सकता हूं पिस्टन की वहां पे जो है दाब मापी के द्वारा कि यंत्र के द्वारा जिससे कि कितना उसने दाब डाला है उसमें जो है मैं एक मेजरमेंट कर सकता हूं। तो मैं जब दाब चेक करूंगा तो वो जो दाब डाल रहा है मेरे ऊपर मैं उसका नहीं देखूंगा, मैं अपना देखूंगा कि मैं उसे रोकने के लिए कितना दाब लगा रहा हूं। तो दाब हमेशा विपरीत देखा जाता है, उसका चेक करना है तो अपने ऊपर देखो कितना मैं कितना दाब डाल रहा हूं उस पे हूं। तो मुझे देखना है यहां पे इन कणों को इधर से इधर जाना है से रोकना है, इन विलायक के कणों को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो जा रहे हैं कण उनको जाने से रोकना है हमको। उसको रोकने के लिए यहां से पिस्टन के द्वारा एक दाब डाला जाता है विलयन के ऊपर, देखो विलयन ही तो है, विलयन के ऊपर एक दाब डाला जाता है, इस दाब को ही डालते हैं इसके ऊपर। और जब ये दाब डालते हैं तो दाब डालने से क्या होते हैं कि ये जो विलायक के कण जो जा रहे थे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर वो जाना बंद हो जाते हैं, जाना बंद हो जाते हैं। और जब जाना बंद हो जाते हैं उस दाब को उस पिस्टन की सहायता से जो मैंने दाब लगाया है इसके ऊपर उस दाब को नोट कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, और उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो क्रिया हो रही थी कौन सी, परासरण, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। मैंने क्या किया था, मैंने विलायक के कणों को विलयन की ओर जाने से रोका था, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने वाले विलायक के कणों को जाने से रोका था। और उस रोकने वाली जो क्रिया है उसमें जो हमने दाब लगाया प्रेशर लगाया उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। तो डिफिनेशन क्या हो गई वो देखिए, किसी मैंने किस पे लगाया है, विलयन पे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब। फिर से बोलता हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए
विलियन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन क्लियर है तो सब कुछ है बेटा। क्या बोला मैंने? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए इसको जल्दी से जल्दी लिखिए। देखिए याद हो गया तो लिखिए, परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो पाई बना है ऐसा मत करना कि पाई का मान 22/7 रख देना। पाई का मान यहां पे केवल और केवल परासरण दाब को प्रदर्शित करना है। पाई का मान 22/7 नहीं है, 180 नहीं है, 3.14 कुछ भी नहीं है, केवल और केवल परासरण दाब को प्रदर्शित करने के लिए पाई का निशान व्यक्त किया जाता है या लगाया जाता है या उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये एक प्रतीक लिया गया है। तो आप मैथ में जो पढ़ते हैं पाई का मान 22/7 3.14 या 180 अंक वो मत लिखना, ये कुछ नहीं होता है उसका, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक दो बच्चे थे जिन्होंने इसका मान भी लिखा था, पाई का मान 22/7 है जो, ठीक है ना। तो ये मत करना कि आप लोग पाई का मान 22/7 समझ ले, ये नहीं है, कुछ नहीं है ये। वो मैथ वाला पाई निशान तो वही है लेकिन वो पाई का जो मान हमारे जो मैथ में दिया हुआ है वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये पाई हमारा एक केवल प्रतीक है, परासरण दाब को प्रदर्शित करने का केवल प्रतीक है। तो हो सकता है आपको दोनों डिफिनेशन क्लियर हो चुकी है या नहीं क्लियर हुई है, अब अच्छे से मुझे एक बार देख करना, ठीक है ना। ओके चलिए, अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में करेंगे हम लोग।